सो भाई वेलकम, गुड मॉर्निंग, और एक हवा भरे विंडी दिन में आपका स्वागत है। भाई आज तुम्हारे भाई ने बहुत दिन बाद, मतलब सोच रहा हूँ कि कोशिश कर रहा हूँ कि चलो एक ब्लॉग बनाते हैं। तो भाई ये अपनी सोसाइटी देख लो आप थोड़ा सा, ठीक है जी। यहाँ मैं रहता हूँ, वो मेरा घर है, एड्रेस नहीं बताऊँगा भाई वैसे मतलब वो ये कि इंडिया की तरह नहीं है भाई, यहाँ एड्रेस पता भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने तो लोग भी नहीं इस देश में, ठीक है भाई। सो एक अच्छा दिन, तो मतलब डे इन अ लाइफ बोल लो या जो बोल लो भाई, हम इतने मतलब इतना कोई प्रोफेशनल ब्लॉगर तो हूँ नहीं मैं, बट जो कुछ होगा दिखाऊंगा मैं आपको, कॉलेज की लाइफ क्या है, क्या चीज़ है भाई। बाय द वे जिम, ठीक है, ये मेरी जिम है, कभी कभी मैं आता हूँ, ज़्यादातर मैं भाई छुट्टी मार के रखता हूँ, बट चलो जिस दिन मन करता उस दिन कर भी लेता हूँ, ठीक है भाई। बहुत अच्छा मौसम रहता है नवंबर, आज भाई 2 तारीख है, टाइम भी बताइए तो 12:04, ठीक है। तो बारह टाइम से तो कुछ है ही नहीं, सुबह शाम का कुछ नहीं पता, ऐसा ही वेदर रहता है भाई, हमेशा हमेशा वेदर ऐसा ही रहता है, कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई कब बारिश हो जाए कब मौसम चले जाए। और जब हवा चलती है ना भाई तो फिर अंदर से निकलती है, अंदर से तो मैंने थर्मल डाल रखा है, तो भाई यही है। बाकी भाई मोबाइल से देख मन नहीं किया, मोबाइल में से क्वालिटी ज़्यादा अच्छी आती है, बट मोबाइल यार पकड़ो भारी सा लगता है, ये ठीक है हैंडल इसका, सामने दिखता भी रहता है भाई कि क्या बोल रहा हूँ मैं, तो सही है ये। वैसे GoPro Hero 9 है, इससे पहले मैंने काफ़ी ब्लॉगिंग कर रखी है। चलते चलते भाई एक बात याद आई, जब ठंड होती थी ना सोनीपत में, तो भाई स्कूल में जाने से पहले ऐसे ना सब खड़े हो जाते थे बाहर, मतलब ऐसे जेबों में हाथ डाल के, मेरे को आज वही दिन याद आ रहे हैं कि भाई हल्की हल्की ठंड होती थी स्कूल में जाने से पहले, और बस में बैठ के फिर ठीक लगता था बस में। तो भाई ऐसे देखो, ये यूनिवर्सिटी ऑफ सेल्फर्ड के कुछ बच्चे बैचलर्स के, बस लोग यहाँ भाई स्माइल ही करते रहते हैं, रीज़न तो मुझे भी नहीं पता लगा, बट इट्स ऑलवेज गुड टू स्माइल। और भाई हवा से थोड़ी मतलब आवाज़ जो है ना हो सकता है कट भी रही होगी, तो भाई रोड क्रॉस करते हैं। ये भाई गाड़ियाँ देखो, ये मेरी फेवरेट कार टोयोटा CHR, इंडिया में पता नहीं कब आएगी भाई, बताना है तो कभी, वॉकिंग के लिए ऑन है भाई, ग्रीन हो रखा है। तो भाई अपना पहले क्रॉस करते हैं और फिर चलते हैं। ये यार मुझे ना सही लग रहा है, स्टिक है अपना हैंडल है इसके अंदर नीचे, अपना पकड़ के कभी अपने तरफ कर लो कभी उस तरफ कर लो, सही है ये भाई, मेरा नेबर का एरिया मान लो, सही भाई अपना। मैं वैसे यूनिवर्सिटी सेल्फर्ड में नहीं पढ़ता भाई, तुम्हें तो पता भी होगा मैं किसी और कॉलेज में पढ़ता हूँ, उस कॉलेज में आज आपको लेके चलूँगा, और मास्टर्स करने के लिए मैं आया हूँ भाई, क्योंकि पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। YouTube भी ज़रूरी था इंडिया में, बट पढ़ाई पहले ज़रूरी है, ये तो मेरे पास पूरी लाइफ है यार, नौकरी करनी है, ये ब्लॉगिंग में आपको कुछ ना कुछ तो वही वाली बात है, ब्लॉग तो बना ही लूँगा। हेलो भाई, तो भाग के आना पड़ा भाई, बाकी तो देख सकते हो भाई, बस डबल डेकर और ऊपर बैठा हूँ भाई मैं अभी, बस सही है भाई, सही बस है यहाँ पे, थोड़ा भाग के आएंगे तो बस स्टॉप दिखाता है, मैं सामने खड़ी मिल गई थी, सही है भाई। डेली का रूटीन है अपना, बस पकड़ो कॉलेज जाओ, 15-20 मिनट की लगती है। बाकी अभी सेल्फर्ड से मैनचेस्टर, ये भाई जो पीछे गए ये सेल्फर्ड का कैंपस है, और मेरा घर जो है वो सेल्फर्ड के पीछे है, सो सेल्फर्ड से MMU, यही अपनी लाइफ भाई यहाँ पे। सो ये नज़ारे भाई, एक रिवर दिखेगी आपको यहाँ पर शायद, कोई देखो भाई रिवर है, पता नहीं क्या है, हाँ रिवर है, सही है भाई, मैनचेस्टर इज़ द सिटी ऑफ रिवर्स, और आजू बाजू बहुत सारी है भाई, थोड़ा कम बोलते हैं भाई, पब्लिक होती है ना आस पास, तो आवाज थोड़ा कम करते हैं, बाकी बाहर जाके देख अपना बोल सकते हैं। चलो जी बस से नीचे उतरते हैं, स्टॉपिंग बस, और भाई ये अपना मैनचेस्टर कॉलेज के अंदर चलते हैं, अपनी बस थी भाई सामने से देख लो, थोड़ा दिख रही हो तो ठीक है। सो ये अपनी गई बस, पत्ते ही पत्ते गिरे पड़े हैं भाई, फॉल है भाई ऑटम, तो भाई
ये तो मिलने ही है। सो रिवर मिडलॉक भाई, ये बहुत फेमस रिवर है भाई, यहाँ पे इतनी नहीं दिखेगी, यहाँ तो खाली है बिल्कुल, बट वैसे बहुत फेमस है। सो हवा चल रही है भाई और अंदर से निकल रही है मतलब, पर अच्छा है, ठीक है, ठंड सही है, गर्मी में भी ज़्यादा सही नहीं रहता। तो अपना ये भाई सामने स्कॉडा की बहुत सारी गाड़ी है भाई यहाँ पे, स्कॉडा की तो ऐसी ऐसी गाड़ी है, देख के ऐसे प्यार सा हो जाता है, देख के यार स्कॉडा स्कॉडा भाई। मॉर्निंग में अपने कॉलेज में आना, मतलब 2019 में निकला था कॉलेज 70 से, तब बड़े मज़े किए थे। अब भाई 2-3 साल नौकरी करके और अपना जो है ना मैं यहाँ पे आया हूँ, लोगों को भाई शायद पता नहीं होगा शायद कि मैं नौकरी करता था भाई पहले, मतलब नौकरी कर रहा था जब मैं यूट्यूब भी कर रहा था, तो अब पढ़ाई का टाइम फिर से आ गया, बट ये भी एक अच्छा टाइम होगा मतलब भाई दिखाने के लिए कि जैसे होता है ना कॉलेज लाइफ। और भाई बहुत सारे यूके के तो जिस चैनल को अगर आप खोलोगे तो वह किसी ना किसी स्टूडेंट की हेल्प ही करता हुआ मिलेगा, मतलब कोई भी प्रोसेस के थ्रू, या वो मैं सारा बता दूँगा एक वीडियो में, बट मेरा कोई ऐसा वो नहीं है भाई, मैं कोई कंसल्टेंट नहीं होगी जो मेरे को यही सब है, बट कोई ऐसी चीज़ होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख दो भाई, बता देंगे। एक तो भाई ये यूट्यूब से लाइन पकड़ना बहुत मुश्किल है भाई, धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है, बट आई ट्राई टू बी रियल एज रियल एज आई कैन, मतलब वो नहीं कि भाई जैसे दिखा दिया कुछ भी वैसे। ये देखो भाई बिल्डिंग्स नज़ारे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है भाई, बड़ी बड़ी, और ट्रक देख लो, मतलब अलग ही है भाई, हवा चलती है भाई। वो देखो भाई ये आ गई भाई सामने। चलो अब आपको यहाँ की सबसे फेमस रोड दिखाता हूँ भाई, ऑक्सफोर्ड रोड, व्यू देखना उसका और फिर बताना कैसे। ये देखो भाई तुम्हारी फोर्ड की, समझ गए कौन सी गाड़ी है, वही, ये वही गाड़ी है जो इंडिया में देखने को मिलनी मिलती कभी और यहाँ देखने को मिल जाती है, बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ बारी बारी दिखाता रहूँगा। सो भाई मोस्ट फेमस ऑक्सफोर्ड रोड आपको दिखा देता हूँ, सामने देख लो भाई, ये यहाँ की सबसे फेमस रोड है, और भी बहुत सारी चीज़ें, बट ये मैंने अपने इंस्टाग्राम पर कई बार इसकी फ़ोटो डाली है। सो ये भाई ऑक्सफोर्ड रोड मैनचेस्टर की, और _दिनेश वत्स भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ डालता रहता हूँ फोटो वीडियोस जो भी है, ठीक है। सो चलते हैं आगे, और ये बस भाई, और भाई पूरा मॉडर्न आर्किटेक्चर, ओल्ड भी है, अच्छी सिटी है, मतलब मैं पहली बार आया था तब बड़ा अच्छा लगता, अब मेरे को थोड़ी आदत पड़ गई, बट आपके लिए तो नया है, आप इन्जॉय करो। टेस्को एक्सप्रेस भाई, ये किसी से पूछ लेना भाई, ये मतलब सबसे सही, मतलब मैं आज तक जितनी ग्रॉसरी जो भी सामान लिया ना आज तक, इससे नहीं सेल्फर्ड में एक टेस्को है उससे लेता हूँ भाई, सब कुछ मिलता है भाई बहुत अच्छे रेट में। मतलब यहाँ पे एक आइडिया ये है कि ऐसे लोग बोलते हैं महंगा ही भाई, महंगा तो है, देखो इंडिया में नॉर्मल लाइफ बहुत अच्छे में चल जाती है, बट यहाँ पे क्या है कि जैसे वहाँ की सही अच्छी लाइफ, अच्छा अपना सही ठीक ठाक लाइफ, और यहाँ की बहुत एवरेज लाइफ, मतलब नॉर्मल एवरेज एक थोड़ा हो जाता है, नॉर्मल लाइफ अच्छे से आप जी सकते हो, मतलब इतना कोई वो नहीं है अगर आप सही बचा के चलो तो। ये मेरा कैंपस है, ठीक है, अब आप बोलोगे भाई ये कैसा कैंपस है, दिख तो रहा नहीं, बट दिखाऊंगा भाई, बहुत बड़ा कैंपस है भाई, मतलब बहुत सारी बिल्डिंग है, ऐसा नहीं मतलब एक दो, बहुत सारी बिल्डिंग है, दिखाऊंगा अभी कैसा कुछ है। और यहाँ पे देखो आप, कभी भी यहाँ पे रोड क्रॉस करना है भाई, यहाँ पे बटन दबाओ तो खुल गया, चलो तो ऐसे रोड क्रॉस करो, वो सामने भाई देख लो, ये है भाई मेरा कॉलेज, ये मेरे कॉलेज का लोगो, मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी भाई, ठीक है, कॉलेज भी बता दिया, कोर्स भी बता दूंगा भाई, ठीक है। ये कैंपस अपना यहाँ से स्टार्ट होता है, ये है भाई ऑल सेंट्स पार्क, और ये भाई ऑल सेंस बिल्डिंग, हेलो बोल रहे हैं भाई लोग, ये पार्क है भाई देख लो, कॉलेज के सामने बहुत अच्छा पार्क है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर भी साथ में, दोनों कॉलेज साथ में है। ये हमारी लाइब्रेरी जहाँ पे मैं सिर्फ एक ही दो बार गया हूँ और कोशिश करूँगा कि आगे जाऊँ, ठीक है। सो भाई
सही है, ये पाक है भाई, ये अपना बढ़िया पत्ते पत्ते गिरे पड़े यार, ठंड बहुत है यार। अब भाई नवंबर में तो फील होनी भी चाहिए यार, नहीं वो फील होगी तो फिर फ़ायदा नहीं ना, लंबी ना वीडियो बन जाए, इसलिए स्किप टू द मेन पार्ट करना पड़ेगा। सो भाई सामने ये मेरी बिल्डिंग है भाई, बहुत मॉडर्न आर्किटेक्चर है, देख के लगता नहीं कि भाई बिजनेस और लॉ की बिल्डिंग, ऐसा लगता है जैसे बिल्ट एनवायरनमेंट की बिल्डिंग है। तो यहाँ से एक अच्छा व्यू दिखाता हूँ भाई, ये टेम्पलेट्स में, मार्केटिंग एड्स में कॉलेज यही अपनी ऐड दिखाता है भाई, तो आप अपने कैमरे के थ्रू देख लो भाई से, सही है ना, ये है भाई पूरा। कई बार भाई लोगों को बताना मतलब कहाँ कॉलेज है क्या है, भाई बताते रहो, लिखते रहो, चैट करते रहो, उस पर कुछ नहीं पता लगता भाई, जितना वीडियो से समझ में आता है उतना किसी समझ नहीं आता। तो भाई यहाँ भाई देखो फ्यूचर है भाई, ये यूके का फ्यूचर। अब यहाँ से गोल गोल घूमते हैं, ये भाई बिल्डिंग अपनी देख रहे हो भाई, फुल लाइटिंग। अब हमें, मेरे को भाई जाना है एक मीटिंग में 7th फ्लोर पे, भाग के भाई लिफ्ट पकड़ते हैं। सो भाई मीटिंग हो गई डन, और अब मैं अपने दोस्तों से मिलवा देता हूँ भाई, मतलब देखो इधर शर्मा रहा है, ये मास देख यहाँ पे देख, एक बार देख देख नहीं रहा, ये पाकिस्तान का है भाई, मतलब वैसे यूके का लोकल है अभी ये। तो अपन भाई सारे भाई यहाँ मिलते हैं, और ये हमारा, सो कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, and how you gonna help him in the corporate finance subject? I help you pass. So Zuhaina is hiding from Dubai, it's okay if you hide, don't worry, look at him, he's showing a face. Anyways, not Zuhaina but Mahaz, one day will surely gonna come on camera. Can you say hello? Yeah, okay. Can you, do you want to say something to Indian fans or people from India? Hello from India, how you doing? Okay, so Mahaz is still shy, no worries. So yeah, yeah, bhai. It's okay. We have to respect, you know, privacy of my friend. He nahi aana chahta, but surely he will gonna come in future. Iske sath puri video banaunga, iske career ke bare mein puchhenge. So bhai entertaining hai, interesting hai, aur matlab maza aata hai bhai, college mein group mein logon se milte hain. Alag feeling hai matlab. ये भाई मेरे कॉलेज के सामने वाला पार्क है, मेरे कॉलेज का कैंपस है, कैंपस का पार्ट ही मान लो भाई, बट सही है ये। और ठंड भाई इतनी ठंड हो गई है, मतलब हवा है ना अंदर से जा रही है, मतलब अंदर से ना, बिल्कुल अंदर से। ये हमारे भाई वैभव, हेलो, ये अपना मुंबई है भाई है, हेलो बोल दे भाई। हेलो हेलो, थोड़ा अपने बारे में बता दे भाई। मेरा नाम वैभव है, मैं मुंबई से हूँ। ओके, नाइस टू मीट यू गाइस। सो ये इंडियंस के लिए भाई, मतलब अब आने वाले समय में मतलब एक इंस्पिरेशन आने वाले हैं भाई हमारे। सो अपन भाई साथ में रहते हैं सारे के ना सारे, तो ये भाई नज़ारे, मतलब ये ऐसी है ये कॉलेज लाइफ में भाई, जब तक कुछ कर रहे हैं तब तक इंटरेस्टिंग है, मतलब अपना ऐसे ही चलता रहता है। और वो सामने बसेस आप देख सकते हो भाई, आज का दिन है, मतलब 2 नवंबर है आज, और मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि शायद मैंने ना इंडिया में इतनी ठंडी फील करी पहले कभी, मतलब जनवरी में होती है मैक्सिमम, वो उससे ही ज़्यादा लग रही है आज तो ना टेम्परेचर भाई, मतलब होगा कम से कम, दिखा दो 13 डिग्री रहा है, बट यार फील्स लाइक 7 और 8, मतलब हवा जो चल रही है ना। और भाई ये पत्ते गिर चुके हैं नीचे सारे, और अभी ये ना पेड़ खाली, जितने और टाइम निकलेगा ना 15 दिन खाली होते चले जाएंगे, थोड़े पेड़ लगे हुए हैं सब खाली हो जाएगा। सो ठंड में भाई इट्स ऑल फ्रीजिंग। और बताना क्वालिटी और आवाज़ कैसी, अरे मुझे अलग आवाज़ अच्छी आ रही होगी यार, यहाँ पर ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो भाई देख लो ठंड पूरी है, बाकी शाम तक दिखाऊंगा भाई, अभी मेरी क्लास है, क्लास में आऊँगा, उसके बाद शाम तक दिखाऊंगा कहाँ जाऊँगा, इसके बाद फिर शॉपिंग करने, कोई ग्रॉसरी वॉसरी लेने चलेंगे। सो इट वुड बी अ वेरी यू नो गुड डे, और ऐसे ही कुछ ना कुछ अपना बनाते रहेंगे भाई। सो वो भाई ज़िंदगी के मज़े लेते हुए, भाई इंडिया कब जा रहा है तू? जाऊँगा आराम से 1-8 साल बाद। अच्छा, मुझे लगा तू अभी जा रहा है। दोस्त की शादी होगी तभी जाऊंगा। अच्छा अच्छा, सही है भाई सही है। सो हेयर इज इट,
वो सामने अपना बस स्टॉप है भाई, यहाँ से मैं अपनी बस पकड़ता हूँ और ऐसे जाता हूँ जैसे बस जाए भाई। ये ऑक्सफोर्ड रोड रात को भाई सही लग रहा है भाई, बारिश में ना मतलब फील लग रहा है। और ये राहुल वेव करते हुए वेव, भाई यही मजा है यहाँ का रात का, अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं, बारिश बहुत है। बाकी भाई देखते हैं कोई ग्रॉसरी शॉपिंग आज मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कुछ पार्ट गोप्रो से कुछ पार्ट इससे, ऐसे ही चलेगा भाई क्योंकि रात को गोप्रो इतना अच्छा काम नहीं करता।